हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। और हम पढ़ रहे हैं संगीत संस्था के बारे में और इसकी तीन वीडियो क्लास हो चुकी है, ये चौथी वीडियो क्लास है और एक या दो और वीडियो क्लास होगी, दो शायद और हो वीडियो क्लास इसकी, उसके बाद ये भी समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं। और कल तक हमने कहां तक पढ़ लिया था, 895 895 तक हमने कर लिए थे क्वेश्चन, तो आज फिर से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 896, इंडियन कल्चर सोसाइटी कहाँ स्थित है? क दिल्ली, ख पुणे, ग पंजाब या घ उज्जैन। तो आपका सही आंसर है क, दिल्ली में स्थित है, इंडियन कल्चर सोसाइटी दिल्ली में स्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 897, सुर सिंगार संस्था कहाँ है? क पटना, ख बनारस, ग मथुरा या घ अजमेर। ये याद रखना या ये क्वेश्चन आ भी सकता है। तो ये इसका सही आंसर है घ अजमेर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 898, सप्तक स्कूल ऑफ म्यूजिक कहाँ अब स्थित है? क अहमदाबाद, ख अंबाला, ग नागपुर या घ अजमेर। इसका सही आंसर है क अहमदाबाद में स्थित है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 899, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी निम्नलिखित किस क्षेत्र में स्थित है? क बड़ौदा, ख इंदौर, ग भोपाल या घ अजमेर। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो है ख इंदौर में स्थित है, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी इंदौर में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 900, ललित कला मंडल संस्था कहाँ है? क बड़ौदा, ख वृंदावन, ख ग पटना या घ सागर। इसका सही आंसर है घ सागर में स्थित है ललित कला मंडल संस्था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 901, हनुमंत विश्व कला संगीत श्रम के स्थान का नाम बताएं? क प्रतापगढ़, ख प्रमोद वन अयोध्या, ग उदयपुर या घ मुंबई। इसका सही आंसर है ख प्रमोद वन अयोध्या। ठीक है, हनुमंत विश्व कला संगीत श्रम के स्थान का नाम प्रमोद वन अयोध्या है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 902, भातखंडे ए पलुस्कर स्मृति समारोह किस शैक्षिक संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है? क रविंद्र भारती, ख वन स्थली
विद्यापीठ ग प्राचीन कला केंद्र या घ काशी विद्यापीठ। इसका सही आंसर है ख वन स्थली विद्यापीठ। ओके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 903 सन 1998 में काका हाथरसी संगीत भूषण सम्मान से किस संगीतज्ञ को विभूषित किया गया। क पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, ख पंडित राम श्रेय झा, ग उस्ताद जाकिर हुसैन या घ पंडित रविशंकर। इसका सही आंसर है पंडित रामा श्रेय झा। ठीक है ख क्वेश्चन नंबर 904 उस प्रसिद्ध सितार वादक का नाम बताएं जिन्हें 2002 में दिलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। क पंडित देवू चौधरी, ख पंडित रविशंकर, ग देवी प्रसाद या घ रेणुका साहा। इसका सही आंसर है क पंडित देवू चौधरी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 905 उस्ताद बिस्मिल्ला खां को भारत रत्न सम्मान किस वर्ष प्रदान किया गया। क वर्ष 2000, ख वर्ष 2002, ग वर्ष 2001 या घ वर्ष 2003। सही आंसर है ग वर्ष 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया था। इन्हीं के 2001 में और किसको भारत रत्न मिला था आप मुझे ये कमेंट करके बताना। एक तो बिस्मिल्ला खां को मिला था, दूसरा किनको मिला था। क्वेश्चन नंबर 906 जापान का प्रीमियर इंपीरियर प्री सॉरी जापान का प्रीमियर इंपीरियर अवार्ड किस भारतीय संगीत को प्रदान किया गया है। क उस्ताद बिस्मिल्ला खां, ख पंडित रविशंकर, ग जाकिर हुसैन, घ पंडित किशन महाराज। तो प्रीमियर और ई प्रीमियर जो अवार्ड मिला है वो मिला है जापान के द्वारा घ पंडित रविशंकर। दो मिनट होल्ड कीजिए। हाँ पंडित रविशंकर को मिला है, पंडित रविशंकर। मैंने चिन्ह गलत लगा दिया था, ख है इसका आंसर रविशंकर। ओके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 907 अख्तर पिया के उपनाम से किसे जाना जाता है। क वाजिद अली शाह, ख नवाब वाजिद अली खां, ग मोहम्मद
शाह रंगीले या घ अफजल हुसैन खां। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप गलत करोगे, आपने गलत सोचा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत लोगों को गलत करवाते हुए भी देखा है। इसका सही आंसर है ख, नवाब वाजिद अली खां। ओके, क्वेश्चन नंबर 908, सरस पिया के रूप में किसे जाना जाता है? क फियाज खां, ख अमीर खां, ग काले खां या घ विलायत हुसैन खां। सही आंसर है इसका काले खां। ठीक है, सरस पिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो काले खां को जाना जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 909, सुगर पिया के उपनाम से किसे विख्याति मिली? सुगर पिया, क गणपत राव, ख अनोखेलाल, ग सफीकुल्ला खां या घ असदुल्ला खां। इसका सही आंसर है क गणपत राव। सुगर प्रिया के नाम से कौन विख्यात था? तो गणपत राव विख्यात थे और इन्हीं को इस नाम से पुकारा जाता था। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 910, गुदई महाराज उपनाम से किसे जाना जाता है? क ब्रज मोहन, ख समता प्रसाद, ग गोपी कृष्ण या घ उदय शंकर। इसका सही आंसर है ख समता प्रसाद के नाम से जाने जाते थे गुदई महाराज। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। बाकी कोई भी प्रश्न होता है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम है, उसका नाम बता देता हूं, ऑल म्यूजिक एग्जाम। ठीक है, ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है, आप यहां से जुड़ सकते हैं। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं ग्रुप को। ठीक है, यहाँ पे जुड़ने के क्या फायदा है कि आपको जितनी भी नोटिफिकेशन आती है, जैसे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वहां पे मिल जाएगी, आपको जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती है उसकी नोटिफिकेशन, जो भी चीज होता है उसका मटेरियल वो मिलेगा, प्राइवेट जॉब जो आती है उसकी नोटिफिकेशन, बाकी जो भी चीजें होती है वहां पे आपको वहां पे मिल जाएगी। तो ये था, बाकी आपको एक चीज जरूर करना है, अगर आपकी आपकी हेल्प हो रही है वो करना है क्या, शेयर। ठीक है, शेयर आपको जरूर करना है, तो आप जरूर शेयर कीजिए, अगर आपकी हेल्प हो रही है तो लोगों की भी हेल्प हो, इसलिए आप शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद जय भारत।